Hello student, in previous class we studied about dispersal of seed. Dispersal of seed क्या था, हमने पूरा revise कर लिया था, पूरा पढ़ लिया था अच्छी तरह से. आज हमारा next topic है other ways of growing plant. अब दूसरे तरीकों से भी हम क्या कर सकते हैं, पौधे उगा सकते हैं, plants को grow कर सकते हैं. अब वो कौन कौन से तरीके हैं या फिर कौन कौन से ways हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम plants उगा सकते हैं, पौधे उगा सकते हैं, इसमें हम आज पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है, प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोथ विदाउट सीड. जो प्लांट्स हैं वो क्या है, बिना सीड, बिना बीज के भी उग सकते हैं, बिना बीज के भी हम उगा सकते हैं. अब कैसे उगेंगे प्लांट्स बिना बीज के, दे कैन ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स. वो किससे उगते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स से. जैसे बॉडी पार्ट क्या है, प्लांट की बॉडी में क्या क्या होता है, प्लांट की बॉडी में रूट्स होती है, स्टेम होता है, लीव्स होती है, ये सब क्या है, प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स. उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम और लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब होता है प्लांट्स के किसी और पार्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. ग्रोइंग प्लांट्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जिससे हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, नया प्लांट उगा सकते हैं. रूट हो गया, उसकी जो जड़ें होती है, स्टेम. स्टेम क्या है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, प्लांट्स के किसी भी पार्ट से एक नए प्लांट का ग्रोथ करना. ठीक है, अब फर्स्ट है फ्रॉम रूट्स. अब रूट्स से कैसे प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, रूट्स क्या होती है, जड़ें. जड़ों से कैसे हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, नया प्लांट उगा सकते हैं. रूट्स ऑफ सम प्लांट लाइक कैरेट, बीट एंड स्वीट पोटैटो कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. अब किन किन की जड़ें नया प्लांट उगा सकती है, कैरेट हो गई, गाजर, बीट रूट, शुगर कैन, ये सब जो है, स्वीट पोटैटो, इनसे क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रो करता है, नया प्लांट हम उगा सकते हैं. किन की जड़ों से, कैरेट जो गाजर होती है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद की अगर जड़ें हम सॉइल में गाड़ दें तो उससे नया प्लांट ग्रो हो सकता है. अब फ्रॉम स्टेम, स्टेम क्या होता है, तना. किसी भी प्लांट के तने से हम नया प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं. अब तना क्या होता है, अब कौन कौन से प्लांट्स के तने से या स्टेम से हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. मैनी प्लांट लाइक रोज, मनी प्लांट, शुगर कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग क्या होती है, स्टेम कटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें मान लीजिए आप ये स्टेम है, ठीक है, किसी भी प्लांट का स्टेम है, तो उसको ऐसे जैसे साइड शेप में आप कट लगाएंगे और दूसरे प्लांट जो हमें उगाना है उसको भी ऐसे ही शेप में कट लगाएंगे और दोनों को ऐसे जोड़ के यहाँ से उसको टाइट पैक करके बांध के और हम किसमें गाड़ देंगे, सॉइल में हम उसे गाड़ देंगे, तो उससे क्या होता है, नया प्लांट ग्रो करता है. इसे क्या कहते हैं, स्टेम कटिंग इसे कहते हैं. तो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो स्टेम कटिंग के थ्रू या स्टेम के थ्रू नया प्लांट ग्रोथ करते हैं, तो हो गया रोज प्लांट, मनी प्लांट और शुगर केन का प्लांट. ठीक है, रोज, गुलाब, मनी प्लांट जो हमें सबके घरों में अधिकतर होता है और शुगर केन, गन्ना, इन सबको क्या है, हम स्टेम के थ्रू भी नया ग्रो कर सकते हैं, नया प्लांट उगा सकते हैं. अब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम, फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है, जो भूमि के अंदर मतलब जमीन के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, स्टेमिंग करते हैं, मतलब क्या, तने को, अंडरग्राउंड तना मतलब जो भूमि के अंदर जो तना है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेमिंग करते हैं. Some plants can be grown from their underground stem. कुछ plants क्या है जो underground stem से उगते हैं. Underground stem कैसे, आप underground plants कौन कौन से हैं, जैसे potato है, ginger, ये क्या है, ground के अंदर उगते हैं सारे. कहाँ उगते हैं, ये ground के अंदर मतलब जमीन के नीचे, भूमि के नीचे ये उगते हैं. तो उनका stem भी कहाँ होगा, underground ही होगा, मतलब जमीन के नीचे होगा. तो वहाँ से क्या होता है, नए प्लांट का ग्रोथ होता है. वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कहाँ उगते हैं, भूमि के नीचे मतलब अंडरग्राउंड स्टेम उगते हैं. तो है, सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम देयर अंडरग्राउंड स्टेम. फॉर एग्जांपल पटेटो. अब पटेटो क्या है, आलू. एंड अंडरग्राउंड स्टेम, पटेटो क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब ये भूमि के, ग्राउंड के नीचे, जमीन के नीचे उगता है. हैज बर्ड कॉल्ड आइज विच गिव राइज टू अ न्यू वंस. अब आपने देखा होगा आलू में क्या होता है, एक छोटी छोटी सी बर्ड्स उग जाती है, छोटी छोटी सी क्या उग जाती है, ऐसी वाइट वाइट कलर की बर्ड्स उग जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, आइज ऑफ द पटेटो. पटेटो की क्या कहते हैं, उन्हें आइज, आँखें. ठीक है, छोटी छोटी सी क्या होती है उसमें,
बर्ड्स उग जाती है, विच गिव राइज टू द न्यू वन, वो क्या करती है नए पौधे को जन्म देती है, नया पौधा उनसे हम उगा सकते हैं। सिमिलरली जिंजर ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। अब जिंजर क्या है, जिंजर होती है अदरक, वो भी कहाँ उगती है, अंडरग्राउंड स्टेम की उगती है, ग्राउंड के अंदर, तो वो भी क्या करती है अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू एक नए प्लांट की ग्रोथ करती है। नेक्स्ट है फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से कैसे नया प्लांट बन सकता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम का एक प्लांट होता है, तो क्या होता है उसकी एजिस पे मतलब किनारों पे, एजिस क्या होती है लीव्स की एजिस होती है, जैसे लीव्स है, ये लीव्स मान लेते हैं उसकी एजिस जो होंगी ना किनारे, उनसे क्या उन पे क्या उगने लग जाती है, बर्ड्स उगने लग जाती है, छोटी छोटी सी बर्ड, और वो बर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है नया प्लांट में। तो देखिए सम लीव्स लाइक ब्रायोफाइलम ग्रो न्यू प्लांट्स ऑन देयर एजिस। अब कौन है लीव्स है किसकी, ब्रायोफाइलम प्लांट की, वो क्या करती है अपनी एजिस पे नया प्लांट ग्रो करती है, एजिस यानी किनारे। द बर्ड ऑन द एजिस ऑफ ब्रायोफाइलम लीव ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब जो ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है वो क्या करती है नए प्लांट में ग्रो होती है, कब होती है जब उसे क्या मिले प्रॉपर मॉइस्चराइजर एंड वार्म्थ, प्रॉपर क्या मिले गर्मी, वार्म्थ यानी होता है गर्मी और मॉइस्चराइजर यानी नमी, दोनों की जरूरत होती है प्लांट को, तो दोनों अब जब प्रॉपर मिलेंगे तो क्या करेगी ग्रोथ करेगी नई लीव्स एक प्लांट में। अब फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्स क्या होते हैं बीज, ठीक है फ्रॉम स्पोर्स के थ्रू। सम प्लांट सच एज फर्म एंड फंजाय डू नॉट हैव फ्लावर। अब ये फर्म प्लांट होता है और एक फंजाय मशरूम जिसे कहते हैं, मशरूम्स देखे होंगे उनमें क्या होता है उनमें कोई फ्लावर्स नहीं होते, उनमें कोई फूल नहीं होते हैं। दे प्रोड्यूस देयर स्पोर्स, वो क्या करते हैं अपने स्पोर्स को, स्पोर्स यानी क्या होता है छेद, छोटे 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 से छेद जिन्हें कहते हैं स्पोर्स उनसे भी कहते हैं, और बीजाणु जो बीज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं स्पोर्स। ईच ऑफ विच ग्रोज इंटू अ न्यू प्लांट, अब ये क्या करते हैं जो बीजाणु स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं नया प्लांट में ग्रो करते हैं, नया प्लांट उगा देते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती करना, कृषि करना, आज हम क्या सीखेंगे खेती करना सीखेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं एग्रीकल्चर कैसे होता है, प्लांट्स प्रोड्यूस अस विथ फ्रूट वेजिटेबल पल्सेस एंड इवन अवर अदर क्लोज। प्लांट्स क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं हमें, देते हैं क्या प्रोवाइड करते हैं हमें प्लांट्स, फ्रूट्स वेजिटेबल पल्सेस एंड इवन अवर क्लोज, हमारे कपड़े सब्जियां फल दालें किससे मिलती है हमें, कौन प्रोवाइड करता है प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स से हमें मिलती है। टू फुलफिल अवर नीड्स प्लांट्स आर ग्रोन ऑन देयर लार्ज स्केल, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फुलफिल अवर नीड्स क्या करना चाहिए हमें, प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए लार्ज स्केल पे, मतलब द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर वह है, एग्रीकल्चर यानी तो पहले आप समझ लिए क्या होता है खेती करना, कृषि करना क्या होता है एग्रीकल्चर। तो अब खेती हम क्यों करते हैं, खाना जो हमें भोजन फूड भोजन के लिए और अदर पर्पस अन्य उद्देश्य के लिए क्या करना, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर बहुत बड़े पैमाने पर क्या उगाना प्लांट्स को उगाना, बहुत बड़े पैमाने पर पौधे उगाना किस लिए भोजन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए, तो क्या होता है एग्रीकल्चर यानी खेती या कृषि होता है। नेक्स्ट द प्लांट ऑफ सम काइंड ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया, अब कुछ प्रकार के जो प्लांट्स हैं कुछ प्रकार के पौधे क्या उगते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे किसी विशेष जगह पर उगते हैं और रीजन में किसी जगह पे उगते हैं एट अ पर्टिकुलर सीजन। तो यहाँ पे पर्टिकुलर रीजन से क्या है, जैसे मैंगो है, वो मैंगो कब आते हैं, मैंगो गर्मियों में आते हैं, समर में हम मैंगोस खाते हैं, अभी सर्दियों में थोड़ी ना मैंगो आते हैं, सर्दियों में आम नहीं आते हैं। तो जैसे पर्टिकुलर सीजन में कोई एक सीजन में क्या होती है इसी प्रकार की खेती होती है। द बेसिक प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन क्रॉपिंग प्रोडक्शन आर डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन, अब जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, क्या बताया गया है अगले भाग में, जो भी आप खेती करने के जो जो भी तरीके होते हैं कैसे खेती की जाती है नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट भाग पे हम पढ़ेंगे। अब इस
तो स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर की स्टेप्स कौन कौन सी है? तो फर्स्ट स्टेप है फार्मर प्लग देयर फील्ड टू शो द सीड, दे फर्स्ट डिग द अपर लेयर ऑफ द सॉइल टू लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। अब फार्मर सबसे पहले खेत में क्या करता है, पहले तो क्या चलते थे, हल थे, मतलब पहले के ज़माने में ट्रैक्टर्स नहीं थे, तो क्या करते थे जो फार्मर जो किसान थे वो बैलों द्वारा खेत को जोतते थे। जोतना यानी इसे करते ना, अभी ट्रैक्टर्स के थ्रू प्लगिंग करते हैं, तो वैसे पहले क्या करते थे फार्मर्स बैलों के थ्रू, जो बैलों की मदद से सहायता से क्या करते थे, प्लगिंग करते थे, जोतते थे खेत को। खेत अगर जोतेंगे तो उससे क्या हो जाता है, जो ऊपर की लेयर होती है, परत होती है मिट्टी की, वो कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और लूज़ हो जाती है, लूजर नेट सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है। उससे क्या होता है, जो बीज है वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स या सम्मिलित हो जाते हैं। तो पहले क्या करता है किसान, प्लगिंग करता है अपने खेत को, जो बीज को बोने से पहले क्या करता है वो प्लगिंग करता है, खेत को जोतता है। सेकेंड, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी। मैन्योर क्या होती है, खाद, खाद और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो उपजाऊ, फर्टिलाइजर मतलब उपजाऊ बनाते हैं ना मिट्टी को उपजाऊ, तो वो क्या होते हैं फर्टिलाइजर, जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाए। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं। फर्टिलिटी यानी क्या ना, जैसे खेत की उपजाऊ बनाना, खेत को, ठीक है ना, खेत को उपजाऊ बनाने के लिए क्या डालते हैं, खाद डालते हैं। थर्ड, सीड आर शोन इट इज़ नेसेसरी टू शो द सीड एट रेगुलर डिस्टेंस फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब क्या है, जैसे ये आपका फील्ड है, आपका खेत है, तो उसमें क्या है कुछ दूरी पर, जैसे एक बीज आपने यहाँ डाला है तो दूसरा कहाँ डालेंगे, यहाँ, और प्रॉपर डिस्टेंस पे आपको क्या डालने रहते हैं, सीड को डालना रहता है, ताकि क्या है प्लांट अच्छी तरह से, जो पौधा आपने जो खेत में बोया है वो अच्छी तरह से उगे। फोर्थ, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। अब प्लांट्स को चाहिए, क्या चाहिए होता है, पानी, उगने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है। इट इज़ सप्लाइड अ रेगुलर इंटरवेल, थोड़े कुछ कुछ समय के इंटरवेल में, कुछ कुछ समय के गेप में क्या डालना चाहिए, हमें पानी देना चाहिए पौधों को। दिस इज़ कॉल्ड इरीगेशन। अब उसे क्या कहते हैं, तो प्लांट से खेत में पानी देने को क्या कहते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई, सिंचाई करते हैं ना खेत की, पानी से मोटर्स लगा के आप क्या करते हैं, खेत की सिंचाई करते हैं, तो क्या होता है, इरिगेशन। फिफ्थ, द क्रॉप इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेस्ट्स बाय स्प्रेइंग केमिकल ऑन इट। अब जो खेत है आपकी, उसमें फसल तो उग गई, क्रॉप्स उग गई, क्रॉप्स क्या है, फसल, तो फसल उगने के बाद क्या है, उसमें ये भी डर रहता है कि कोई इंसेक्ट या कोई कीड़े नहीं आ जाए उसमें, जो हमारी क्रॉप्स को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। तो उस पर क्या छिड़कते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट नहीं आए, हार्मफुल जो केमिकल्स छिड़कने पड़ते हैं, तो कौन कौन से हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स किससे बचाते हैं, इंसेक्ट से, कीड़ों से, और पेस्टिसाइड किससे बचाते हैं, पेस्ट जो कीड़े लगते हैं उनसे कौन बचाता है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल हैं जो किन पे छिड़कते हैं, हम फसल पे छिड़कते हैं, किसके बचाव के लिए, कीड़े और जो कीट आ जाते हैं ना हमारी क्रॉप्स में, उससे बचाने के लिए हम ये केमिकल्स क्रॉप्स पे छिड़कते हैं, स्प्रे करते हैं। व्हेन द क्रॉप मैच्योर इट इज हार्वेस्टेड। अब अगर क्रॉप बढ़ गई, मैच्योर हो गई, उग गई, तो क्या करते हैं, बड़ी होने के बाद उन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं, उन्हें काट लेते हैं। कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग क्या होता है, कटिंग करना, जैसे क्रॉप उग गई तो उसको कटिंग करना और एक जगह पर इकट्ठा करके रखना, गैदरिंग करके रखना, वो क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है। गेटिंग गुड यील्ड फ्रॉम क्रॉप्स। अब क्या है, अच्छी पैदावार के लिए, फसल की अच्छी पैदावार के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हम इधर पढ़ेंगे। प्लांट्स नीड वाटर, न्यूट्रिएंट्स, गुड क्लाइमेटिक कंडीशन एंड राइट सॉइल टू ग्रो। अब प्लांट्स को, पौधों को क्या चाहिए, पानी चाहिए, पोषण तत्व चाहिए और जलवायु, क्लाइमेट यानी जो मौसम है, वेदर है, वो कैसा चाहिए, अच्छा चाहिए, गुड क्लाइमेटिक कंडीशन, और राइट सॉइल टू ग्रो, अच्छी मिट्टी चाहिए उगने के लिए। प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर एडेड टू द सॉइल। अब प्लांट्स को पोषण किससे मिलता है, मैन्योर। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होती है, खाद होती है, जो किसमें मिलाते हैं, हम सॉइल में मिलाते हैं, उससे क्या मिलता है, प्लांट्स को, पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं।
दे इम्प्रूव द ग्रोथ एंड क्रॉप यील्डिंग। जो ये क्या इम्प्रूव करते हैं, ये बढ़ाते हैं ग्रोथ को, बढ़ाते हैं और पैदावार को बढ़ाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम ये अच्छी तरह से डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, हमको फसल मिलेगी। द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज नेसेसरी फॉर बेटर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ सीरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब जो प्लांट है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट यानी पूरी तरीके से बढ़ना उसका बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी उत्पादन जो हुआ है अच्छा हो, और प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ किसके प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, सीरियल्स फ्रूट और वेजिटेबल, जितनी भी दालें सब्जियां और जो भी अनाज है उसके प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका क्या ज़रूरी है? प्रॉपर डेवलपमेंट, पूरी तरीके से अच्छी तरह से बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैन्योर इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स। अब मैन्योर किससे बनते हैं? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जो भी प्लांट्स होते हैं उनसे क्या बनता है? मैन्योर। मैन्योर क्या होती है? खाद। किससे बनती है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स से। एनिमल वेस्टेस एंड काउ डंग। फर्टिलाइजर आर मैन मेड केमिकल्स रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले जो चीज़ें होती है, फर्टिलिटी बढ़ाने वाली क्या होती है? फर्टिलाइजर होती है। आर मैन मेड केमिकल्स, ये किसने बनाया? ये इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। अब मैन्योर तो क्या होता है? डेड और डिकेइंग प्लांट से बना हुआ होता है। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये किसने बनाया? ये इंसानों द्वारा है, मैन मेड है। अब इनमें क्या रहता है? केमिकल्स रहते हैं। कौन कौन से केमिकल्स फर्टिलाइजर में रहते हैं? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट एंड सल्फर फॉस्फेट आर सम कॉमन फर्टिलाइजर्स। ये सब क्या है? ये सब कॉमन फर्टिलाइजर्स हैं जो किसमें होते हैं? फर्टिलाइजर्स में होते हैं। फार्मर्स वर्क वेरी हार्ड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देयर क्रॉप्स। अब फार्मर्स क्या है? बहुत कड़ी मेहनत करते हैं उनकी फसल का ध्यान रखने के लिए। दे रेगुलरली प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द पेस्ट इंसेक्ट एंड बर्ड्स। ये प्रतिदिन क्या करते रहते हैं? अपनी क्रॉप्स का ध्यान रखते हैं और उन्हें बचाते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? किससे बचाते हैं? क्रॉप्स को पेस्ट से, कीट, इंसेक्ट, कीड़े और बर्ड्स, पक्षियों से अपनी क्रॉप्स, अपनी फसल को बचाते हैं। इन हिली रीजन्स क्रॉप आर ग्रोन बाय कटिंग स्टेप इन टू द हिल। जो क्रॉप्स है हिली रीजन्स मतलब पहाड़ी इलाकों में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जो खेती की जाती है, वो किस प्रकार की जाती है? ऐसे कटिंग स्टेप। कटिंग स्टेप मतलब जैसे पहाड़ियों को काट काट कर उनमें खेती की जाती है, उस खेती को क्या कहते हैं? स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग। दिस इज डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम द अपर हिल टूवर्ड द लोअर साइड ऑफ द हिल। यह जो खेती है यह ऊपरी पहाड़ी से उपजाऊ मिट्टी जो रहती है के नुकसान को रोकने के लिए किया जाता है। अब जो यहाँ पे मिट्टी है वो क्या है? फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो उसका नुकसान नहीं हो, उस वजह से क्या की ऐसी खेती की जाती है, तो उसका नुकसान नहीं हो उस वजह से उसे नुकसान को रोकने के लिए ऐसी खेती की जाती है। यह ऊपरी पहाड़ी से जो ऊपर की पहाड़ी है, अपर जो हिल्स है के उपजाऊ मिट्टी जो उस पर यहाँ फर्टाइल सोइल है, उपजाऊ मिट्टी के नुकसान को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्रॉप्स एंड सीजन। क्रॉप्स क्या? फसल और सीजन यानी मौसम। अब कौन से मौसम में कौन सी क्रॉप उगती है? डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग प्रकार के मौसम में अलग अलग प्रकार की खेती, अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है। क्रॉप्स ग्रोन इन जुलाई, जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर। जून जुलाई जो अभी सीजन चल रहा था, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर में कौन सी क्रॉप, कौन सी खेती की जाती है? खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप की खेती की जाती है कब? जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक। जून जुलाई जो आया था उससे अक्टूबर नवंबर तक कौन सी फसल उगाई जाती है? खरीफ की फसल उगाई जाती है। दिस क्रॉप डिपेंड ऑन मानसून। ये जो क्रॉप से किस पर डिपेंड है? पूरी मानसून पे निर्भर है। डिपेंड यानी निर्भर। फॉर एग्जाम्पल अब कौन कौन सी क्रॉप्स है? राइस हो गया, शुगर केन एंड मेज। राइस चावल, शुगर केन गन्ना और मेज क्या होती है? मक्का। ये सब कब उगाई जाती है? जून जुलाई से जो अक्टूबर नवंबर वाले महीने महीने होते हैं, मंथ्स होते हैं, उनमें उगाई जाती है। और ये कौन सी क्रॉप होती है? खरीफ की क्रॉप होती है। खरीफ क्रॉप आर ग्रोन इन रेनी सीजन। जो खरीफ की क्रॉप्स है वो कब उगाई जाती है? रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में।
क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। अब नवंबर से अप्रैल तक जो क्रॉप्स फसल उगाई जाती है वो कौन सी होती है? रबी की क्रॉप्स, रबी की फसल होती है। फॉर एग्जाम्पल वीट, बीन्स एंड ग्राम, चने, गेहूँ और जो भी मस्टर्ड, जो सरसों, ये सब है, वो कब उगाई जाती है? नवंबर से लेके अप्रैल तक के मंथ में। नवंबर से अप्रैल तक का जो मंथ होता है उसमें कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वीट हो गया, बीन्स, ग्राम्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। हमने ये चैप्टर रीड किया अच्छी तरह से, आपने भी पढ़ा। आप एक बार इसकी अच्छी तरह से रीडिंग लगाएं, जो मीनिंग्स नहीं आते हैं वो मैम से पूछें। और अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो करेक्ट है उसे हमें क्या करना है? चूज करना है, उसे हमें टेक करना है। फर्स्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ द सीड प्रोटेक्ट द टीनी प्लांट इनसाइड द सीड। सीड यानी बीज का वह पार्ट, वह कौन सा पार्ट है बीज का जो किसे प्रोटेक्ट करता है, किसकी सुरक्षा करता है? जो सीड के अंदर छोटा सा टीनी प्लांट होता है, बेबी प्लांट होता है, उसकी सुरक्षा कौन करता है सीड के अंदर? फर्स्ट कोटाइलिडोन, बी एम्ब्रियो, सी सीड कोट या डी शूट। इन सब में से कौन है जो बेबी प्लांट जो होता है सीड के अंदर, बीज के अंदर जो टीनी प्लांट छोटा सा प्लांट होता है उसकी सुरक्षा कौन करता है? तो यस, कौन करता है? सीड कोट। सीड कोट सी ऑप्शन सी, सीड कोट उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसकी सुरक्षा करता है। सीड कोट उसकी सुरक्षा करता है, तो ऑप्शन सी पर टिक लगाइए। सेकंड, इनिशियली द सीडलिंग गेट इट फूड फ्रॉम। इनिशियली मतलब शुरुआत में, स्टार्टिंग में जो सीड होता है उसे वो खाना कहाँ से लेता है, कहाँ से खाना लेता है? तो ए सॉइल से, बी स्टेम से, सी लीव से या डी कोटाइलिडोन से। जो स्टार्टिंग में जो इनिशियली जो सीडलिंग होता है, छोटा सा सीड होता है, वो किससे खाना लेता है, अपना फूड किससे लेता है? तो ऑप्शन डी कोटाइलिडोन से क्या लेता है, अपना फूड लेता है। इनिशियली मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में। थर्ड, अ न्यू रोज प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम इट्स। अगर हमें नया जो गुलाब का पौधा, रोज प्लांट उगाना है तो हम किससे उगा सकते हैं? स्टेम से, सीड से, फ्लावर से या रूट से? तो रोज कैसे उगता है, रोज प्लांट किससे उगता है? स्टेम से। स्टेम कटिंग करके हमें रोज प्लांट उगा सकते हैं। कैसे उगा सकते हैं? स्टेम जो होता है रूट, मतलब रोज प्लांट का, उसको हम कट करके उसका स्टेम अगर हम सॉइल में लगा दें तो क्या होता है, नया प्लांट। तो फोर्थ है, डिस्पर्सल ऑफ सीड टेकन प्लेस थ्रू। अब किन किन चीज़ों के माध्यम से जो सीड है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, सीड का डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल क्या हो गया, जैसे सीड है वो विंड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, मतलब ये तीनों माध्यमों के थ्रू क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और वहाँ अपना जो प्लांट है ग्रो करता है। तो कौन कौन से? एयर, वाटर एंड एनिमल्स, इन सबके थ्रू, विंड, वाटर एंड एनिमल्स, इनके थ्रू क्या होता है, सीड का डिस्पर्सल होता है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल ऑफ देम। फिफ्थ, रबी क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम। जो रबी की क्रॉप्स होती है, रबी की फसल होती है, वो कब उगती है, कौन से मंथ्स में उगती है? जनवरी टू मार्च, ऑप्शन बी मई टू सितंबर, ऑप्शन सी नवंबर टू अप्रैल या ऑप्शन डी जून टू अक्टूबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कब उगती है रबी की फसल? सर्दियों में, नवंबर टू अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। अब सेकेंड है, टेक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। अब जो सही स्टेटमेंट है, सही है, उस पर तो क्या करना है, राइट का टिक लगाना है, और जो स्टेटमेंट गलत है उस पर क्रॉस का टिक लगाना है। फर्स्ट, कोटाइलिडोन स्टोर्ड फूड फ्रॉम द बेबी प्लांट। अब जो कोटाइलिडोन होता है, जो कोटाइलिडोन होता है सीड में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, फूड का स्टोर करता है बेबी प्लांट के लिए, फूड को जमा करके रखता है बेबी प्लांट के लिए। तो दिस इज ट्रू, ये सही है, वो फूड का स्टोर करता है बेबी प्लांट के लिए। सेकेंड, आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। जो बाहरी परत होती है सीड की, बीज की, उसे सीड कोट कहते हैं। दिस इज ट्रू, हाँ उसे सीड कोट कहते हैं, जो सीड है उसकी बाहरी परत को सीड कोट कहते हैं। थर्ड, सीड ऑफ कोकोनट एंड लोटस आर डिस्पर्स बाय एयर। जो सीड होते हैं किसके, कोकोनट के और लोटस प्लांट के,
वो हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाके उग सकते हैं क्या? अब कोकोनट का जो प्लांट होता है वो हवा में कैसे जाएगा, वो बहुत भारी होता है। और लोटस कहाँ उगते हैं? लोटस पानी में उगते हैं, तो ये विंड के थ्रू तो जा ही नहीं सकते, एयर के थ्रू नहीं जा सकते, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो क्या आएगा यहाँ? क्रॉस। फोर्थ, क्रॉप्स दैट ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो रबी की क्रॉप्स होती है वो विंटर सर्दियों के मौसम में उगती है। तो रबी की क्रॉप्स कौन से मंथ्स में उगती है? नवंबर टू अप्रैल। और नवंबर में क्या रहती है? नवंबर में बहुत सर्दी रहती है, तो विंटर सीजन तो हुआ ना, तो रबी की क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रोन करती है। दिस इज ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है। तो क्या लगाएंगे? राइट लगाएंगे, टिक द करेक्ट। फिफ्थ, न्यू प्लांट कैन ग्रो ओनली फ्रॉम सीड्स। जो न्यू प्लांट है वो बस सीड से उगता है। जो नया प्लांट अगर हमें उगाना है तो बस वो सीड से ही उगेगा? नहीं, ये तो गलत है। नया प्लांट हम किससे उगा सकते हैं? रूट से, स्टेम से, लीव से, बहुत सारे तरीकों से हम नया प्लांट उगा सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो क्या आएगा यहाँ? क्रॉस। अब नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखिए, द सीड कंटेन अ बेबी प्लांट कॉल्ड। जो सीड कंटेन करता है बेबी प्लांट, उसे वो किस इनसाइड इट, जो बेबी प्लांट होता है सीड में वो किसके अंदर होता है? द सीड कंटेन अ बेबी प्लांट कॉल्ड। जो सीड है जो किसके इनसाइड में, किसके अंदर बेबी प्लांट होता है सीड में, तो होता है एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्या होता है? सीड का छोटा सा बेबी प्लांट होता है। फिर जब कोटाइलडोन लेयर आती है, फिर जब उसको प्रॉपर मॉइस्चर, सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तब वो क्या करता है? ग्रोन करता है। तो क्या आएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर क्या रहता है? छोटा सा बेबी प्लांट रहता है। तो एम्ब्रियो की स्पेलिंग देखिए आप, ई एम बी आर वाई ओ, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के अंदर क्या रहता है? छोटा सा बेबी प्लांट रहता है सीड का। सेकेंड, वेन द सीड जर्मिनेट द डैश क्रॉन फर्स्ट। अब जब सीड का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन क्या है? जैसे सीड से बेबी प्लांट बनना, सीड से प्लांट का ग्रो होना। जैसे बीज है, उससे पहले क्या होगा? रूट्स ग्रो होंगी, स्टेम ग्रो होगा, स्टेम पे लीव्स आएंगी, फिर तो बेबी प्लांट ऐसे उस पर लीव्स आएंगे, फिर क्या बनेगा? फ्लावर्स आएंगे। तो सीड से फ्लावर या पूरे प्लांट का ग्रो होना क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। तो जर्मिनेशन में सबसे पहले क्या आती है? प्लांट में सबसे पहले रूट्स ग्रोन होती है। तो सबसे पहले क्या निकलती है सीड से? रूट्स। तो रूट्स की स्पेलिंग देखिए, ROOT, रूट्स, ठीक है। थर्ड, सीड ऑफ डेंडेलियन प्लांट्स आर डिस्पर्स बाय। तो डेंडेलियन जो प्लांट है उसके जो सीड्स हैं वो किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं? किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं? एयर के थ्रू। डिस्पर्जन किसके थ्रू होता है डेंडेलियन्स के बीजों का, सीड्स का? एयर के थ्रू या विंड के थ्रू। तो क्या लिखेंगे? थ्रू विंड, WIND, विंड। विंड के थ्रू क्या होता है? इनका डिस्पर्सल होता है विंड के थ्रू, ठीक है। फोर्थ, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स और अदर देन द सीड इज कॉल्ड। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स अदर देन सीड। अब सीड के अलावा, बीज के अलावा जो सीड होते हैं, सीड्स के अलावा किसी और पार्ट से, प्लांट के किसी और पार्ट से क्या करना? नए प्लांट का ग्रोथ करना, नया प्लांट उगाना, क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यही होता है कि एक जो प्लांट्स का पार्ट है, सीड्स के मतलब सीड्स के अलावा जो और भी प्लांट्स के पार्ट्स, इनसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, रूट्स हो गई, इनसे क्या करना? नए प्लांट को ग्रो करना, नया प्लांट उगाना, ये क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्पेलिंग लिखिए, VEGETATIVE, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, PROPAGATION, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिफ्थ, लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फूड एंड अदर पर्पस। बड़े पैमाने पर क्या करना? पेड़ों को या पौधों को उगाना, किसके लिए? खाने के लिए और अन्य जो उत्पादन है उनके लिए, पर्पस यानी उत्पादन, ठीक है। तो खाने के लिए, फूड के भोजन के लिए और अन्य उत्पादनों के लिए प्लांट्स का, पौधों का बड़े लार्ज स्केल पे मतलब बहुत बड़े पैमाने पे उगाना, उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कृषि, फार्मिंग। तो क्या है एग्रीकल्चर की स्पेलिंग? AGRICULTURE,
TURE Agriculture. Agriculture क्या होता है? बहुत बड़े पैमाने पर क्या करना, खेती करना, जो किसे कहते हैं होता है एग्रीकल्चर। बहुत बड़े पैमाने पर पौधों को उगाना, किस लिए? भोजन के लिए और अन्य उत्पादनों के लिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स।